गोलापार्क में आपने विजिट किया है, कुछ दुकानदारों की कंप्लेंट थी उसके तौर पे आपने आज विजिट किया, तो क्या बोलना चाहेंगे दुकानदारों को, क्या समस्या है? दुकान भाई और पूरी दुकान जितने भी दुकानदारों के एसोसिएशन है उनकी बहुत सारी, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। उन लोग रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, उनका ऐसा बोलना है कि यहाँ पे लोगों के पास पार्किंग की जगह नहीं है। अब पार्किंग की जगह नहीं होने के कारण लोग रास्ते में बाइक लगा रहे हैं और रास्ता छोटा हो रहा है, और ये गुलाब पार्क मार्केट में पूरे मुमरा कौसा से लोग आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग ने आज मशवरा किया है पार्किंग की जगह देने के लिए। मैंने उनको बोला कि रमजान के एक महीने के लिए आपको टेम्परवरी कुछ जगह में रिजर्व करके देता हूँ सामने तरफ, ताकि आप पार्किंग लगा सके यहाँ के दुकान जो बाइक खड़ी रहती है। और टॉयलेट की और पानी की समस्या है, मैं हमारे यहाँ के कॉर्पोरेटर सिराज डोंगरे, जफर नुमानी और हफीदा नायक, उनसे भी मेरी चर्चा करके, आवाज सबसे भी चर्चा करूंगा, रिजवान भाई को लेके जाके जितने भी लोग उनसे बात करके, महेश्वर भाई टीम वाले उनसे बात करके, जो टॉयलेट है जो टॉयलेट इनके पास है अवेलेबल बंद हो चुकी है, उस पर कैसे उसको बनाना है, क्या करना है, बिल्डिंग वाले और इनको बैठ के तो टॉयलेट को चालू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुरंत हम लोग उसको चालू करने की कोशिश करें। सनु भाई, यहाँ पर खास करके ज्यादा करके महिलाएं यहाँ पर शॉपिंग के लिए आती है, उनका इतना कहना है कि यहाँ पर जो धक्का मुक्की ज्यादा होती है, उसके लिए कोई लेडीज वॉलंटियर यहाँ पर तैनात किया जाएगा क्या? देखिए लेडीज वॉलंटियर जो है उस तरफ मर्जिया ऑलरेडी लगाने वाली है, उसमें पहले ही अनाउंसमेंट हुआ पूरे रमजान में। मैं रिजवान भाई को ये भी बोलूंगा कि वो मर्जिया से कॉन्टेक्ट करेंगे ना, तो उसके वॉलंटियर कुछ 150 है, तो 20 वॉलंटियर तो तुरंत एक पहले रोज से कल से लगने वाले इंशाल्लाह, तो एक दो तीन वॉलंटियर लेडीज इधर भी आए ताकि उनके साथ मिलकर उनको मदद हो सके। गुलाब पार्क शॉपकीपर एंड हॉकर्स यूनियन का अध्यक्ष, जैसा कि आप लोगों को हमारे अपोजिशन लीडर शानू पठान साहब ने आपको बताया है, हमारी पूरी यूनियन शानू पठान साहब के साथ तन मन धन से है, और हमारा ये रमजान का महीना शुरू होने वाला है कल से, बहुत बाबरकत और मुबारक महीना है, जिसको देखते हुए हमारी पूरी टीम शानू पठान साहब के पास गई थी मार्केट के बीच रास्ते में जो बाइक पार्किंग होती है उसके मुद्दे को लेके, और यहाँ पर एक लेडीज शौचालय की जरूरत थी ये मांगनी करने के लिए हम लोग गए थे शानू पठान साहब के घर पे। मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, ये मुमरा की मार्केट जो है ये सिर्फ मुमरा की नहीं है, गुलाब पार्क मार्केट यहाँ दूर दूर से मार्केट से करने के लिए औरतें और भाई हमारे आते हैं, है ना शानू भाई, जिनको बहुत तकलीफ होती है, रास्ता नहीं है चलने का। तो एक जो है हमारा नेक काम था, नेक कदम था, उसके लिए हमने शानू पठान साहब को गुलाब पार्क मार्केट में लाए। जैसा कि हमने देखा होगा पूरे शहर में, पूरे गुलाब पार्क नहीं, पूरे मुमरा कौसा के शहर में देखा होगा शानू पठान और एक मर्जिया शानू पठान, जो खिदमत खल्क में रात दिन मेहनत करती है, अपना तन मन धन देती है, उसको शौक है, उसी शौक का एक मैं भी शौकीन हूँ, रात दिन मेहनत करता हूँ तन मन धन से, हमारी हाजी साहब लोगों की टीम पूरी यूनियन की, हम शहर के और मार्केट की भलाई के लिए क्या काम कर सकते हैं। तो शानू पठान साहब, मैं आपको बता दूं, मर्जिया पठान शायद मुझे जानती नहीं है, मैंने यहाँ से कितनी लेडीज को भेजा हूँ जबकि मर्जिया मुझे नहीं जानती पर्सनली, मैं उसको जानता हूँ, उसने बगैर मेरे आइडेंटिफाई किए हुए मेरी कई एक माँ बहनों को ना काम करके दिया है, अल्लाह जानता है, मैं झूठ नहीं बोलता, नाम नहीं ओपन करूंगा क्योंकि मैं यहाँ मार्केट में दिन भर रहता हूँ, कोई ना कोई आते रहता है, भाई मेरा ये काम है, भाई मेरा वो काम है, लेकिन मर्जिया शानू पठान को तो मैं सलूट करूंगा कि उसको खिदमत खल का जो शौक है, जो जज्बा है, अल्लाह उसको तरक्की दे और उसकी सेहत में तंदुरुस्ती दे, और उसी शौक का मैं भी एक हूँ कि मार्केट की भलाई के लिए क्या काम कर सकूं, शानू पठान साहब से, अपने एक्स हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब से, सैयद अली भाई साहब से जो हमारे आंदोलन सम्राट है, और हमारे जो यहाँ के नगर सेवक है जबर नुमानी साहब, हफीजा भाभी, उनकी बेटी नेहा नाइक, सब लोगों की हमारी एक टीम है, सिराज डोंगरे साहब, शमीम खान साहब, हमारी एक टीम है, और हम लोग मिलजुल के एक मार्केट की भलाई के लिए काम करते हैं, और जिससे हमारा शहर और हमारी मार्केट का नाम हो अच्छा, मैं यही चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना, शानू भाई के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, शानू भाई आगे बढ़ो, हम दुआ कर रहे हैं।